दोस्तों तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप में किस तरीके से लॉक लगा सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, बिना कोई एप्लीकेशन के आप ईजी तरीके से व्हाट्सएप में लॉक लगा सकते हैं। मैं सारी डिटेल से स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा व्हाट्सएप में लॉक लगाने का। बिना भी एप्लीकेशन आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना, ईजी तरीके से आप लॉक लगा पाएंगे। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा बिना समय लिए चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले अगर कोई भी यार अगर हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कोई भी नए वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इजी तरीके से WhatsApp को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो आपको क्या करना है, इजी तरीके से ऊपर में जो राइट साइड यहाँ पे थ्री डॉट बना रहा है, यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, इजी तरीके से आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इजी तरीके से प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेसी वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको ईजी तरीके से ऊपर स्क्रॉल अप करना है, धीरे धीरे करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिंगरप्रिंट लॉक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इजी तरीके से क्या करना है आपको, ये देख पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, फिंगरप्रिंट लॉक। ये देखिए मेरा डिसेबल है तो इसे मैं क्या कर लूँगा, ऑन कर लूँगा। देखिए इजी तरीके से मैं इसे क्या करूँगा, ऑन कर लूँगा। और यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन होगा आपके मोबाइल में, तो इजी तरीके से आप उसे टच कीजिएगा तो यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट ले लेगा। देखिए जैसे मैंने टच किया तो फिंगरप्रिंट ले लिया। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इमीडिएटली चाहिए आपको लॉक लगना चाहिए, या फिर एक मिनट के बाद, या फिर 30 मिनट के बाद। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर ये मैंने बैक कर दिया, पूरा बैक कर दिया और मैं फिर से व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो ये लॉक लग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएटली हो गया ये, जल्द से जल्द। अगर एक मिनट में करूँगा तो क्या कर दूँगा, ये बैक कर दूँगा और मैं इसे ओपन करूँगा तो ऐसे ही रहेगा, ये एक मिनट के बाद लॉक होगा। आफ्टर 30 मिनट तो आप समझ ही गए किस तरीके से अब काम करेगा। तो क्या करता रहता है लोगों को, कभी कभी क्या होता है कि वो बैक करना भूल गए या कुछ भी ऐसा कुछ, तो बैक करके छोड़ दिया तो कोई भी आके फिर देख लेगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, इमीडिएटली पे लगा लीजिए, इमीडिएटली ज़्यादा बेटर रहता, मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर, सो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ईजी तरीके से अगर ये बंद करते हैं आप तो क्या होगा, जो मैसेज करेगा वो ईजी तरीके से ऊपर आ जाता है यहाँ पर कि किसने मैसेज किया है नहीं किया, ये आपको पता चल जाता है ऊपर से ही। अगर ये मैं बंद कर दूंगा तो सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ सिर्फ व्हाट्सएप से किसी का मैसेज आया, बस उसका नाम लिखा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, कुछ इस तरीके से ही आएगा। तो ये इसे भी ऑन रख लीजिए, इसलिए अगर आप लॉक लगाएं तो ज़रूर आपकी प्राइवेसी के लिए आपने लॉक लगाया होगा। तो कोई मैसेज कर देगा तो वो देख लेगा तो फिर क्या फ़ायदा लॉक लगाने का। तो इसी तरीके से आप इसे ऑन कर लेंगे तो वो जैसे, तो ये भी आप ऑन कर लीजिए और इमीडिएटली लगा लीजिए तो ये ज़्यादा बेनिफिट है अगर आपको लॉक की ज़रूरत है आपके व्हाट्सएप में तो। ओके दोस्तों, तो बहुत इसके लिए आपको कोई अलग एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना, इजी तरीके से आप लॉक लगा सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना। बहुत सारे वीडियोस आपने ऐसे देखे होंगे जहां पे आपको बताया जाता है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तो उसके बाद लॉक लगेगा, तो इसके लिए आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना। ओके दोस्तों, तो आप इजी तरीके से यहाँ पर लॉक लगा सकते हैं। होप आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे और भी नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली अपडेट, डेली अर्निंग और भी बहुत सारे वीडियोज आपको हमारे इस चैनल पर हमेशा मिलते हैं। ऐसे और भी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।